चार्ल्स ओलिवेरा यूएफसी 280 में इस्लाम मखाचेव से अपनी बेल्ट हार गए और 5 साल के बाद उन्हें अपनी पहली डिफीट मिली। यानी चार्ल्स ओलिवेरा के करियर को आप अगर देखो तो उसमें 33 विन है, 9 लॉस है और 1 नो कॉन्टेस्ट है। यानी कि इनके करियर में 43 फाइट्स ये लड़ चुके हैं प्रोफेशनल। उसके बाद ये एक ऐसे सिचुएशन में अभी आ गए हैं कि इनको अभी जो फाइट होगी यूएफसी 289 में बनील डारियुश के खिलाफ, वो फाइट जीतनी ही जीतनी होगी, वरना इनका करियर जो है वो ऐसे सिचुएशन पे है कि वो बहुत नीचे जा सकता है। टाइटल शॉट की इस रेस के अंदर बनील डारियुश को हराने के बाद ही चार्ल्स ओलिवेरा अपने करियर को रिवाइव कर पाएंगे या नहीं, ये आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अभी चार्ल्स ओलिवेरा का क्या होगा। तो सबसे पहले अगर यूएफसी की वीडियोस देखना पसंद करते हो और हिंदी के अंदर आपको पसंद है यूएफसी की वीडियो देखना, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो और मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आपकी थॉट प्रोसेस क्या है इस टॉपिक के बारे में। अभी अगर मैं चार्ल्स ओलिवेरा की तरफ देखूं तो इन 33 विन के अंदर से एक ऑलराउंड फाइटर आपको दिखाई देता है जिसमें 9 नॉकआउट हैं, 21 सबमिशन हैं और 3 डिसीजन हैं। यानी कि इनको अगर देखें तो इनका सबमिशन गेम बहुत तगड़ा है, लेकिन स्ट्राइकिंग के अंदर भी अब ये काफी अच्छे हो गए हैं। सिर्फ पिछली फाइट के अंदर ये हारे, वरना आप अगर इनको देखो तो इन 33 विन में से 9 नॉकआउट, 21 सबमिशन और 3 डिसीजन। लेकिन अगर हार देखें इनकी, 9 हार, उसमें 4 सबमिशन से, 4 नॉकआउट से, 1 डिसीजन से। तो यहां पर जो नेक्स्ट फाइट होगी वो डिफाइन कर देगी कि चार्ल्स ओलिवेरा का करियर अब कहां जाने वाला है। अब चार्ल्स ओलिवेरा की अगर मैं बात करूं तो इन्हें हार मिली थी पॉल फेल्डर से यूएफसी 218 में, जो हुई थी 2 दिसंबर 2017 को। 2017 से लेकर यूएफसी 280 तक 22 अक्टूबर 2022 तक ये एक भी फाइट नहीं हारे। यानी पॉल फेल्डर से हारने के बाद ये 11 फाइट की विन स्ट्रीक पर थे। अब 11 फाइट की विन स्ट्रीक के बाद चार्ल्स ओलिवेरा चैंपियन बन गए और अपनी लास्ट फाइट यूएफसी 280 में हारने के बाद अपनी बेल्ट से उन्हें हाथ धोना पड़ा। तो ऐसे में अब चार्ल्स ओलिवेरा के फैंस और चार्ल्स ओलिवेरा का एक ही गोल होगा कि दोबारा से अपनी बेल्ट वापस ले ली जाए, लेकिन इसके लिए अभी रास्ते में खड़े हैं बनील डारियुश। अब ये जो 11 फाइटर थे वो थे क्ले ग्विटा, क्रिस्टोस जियोज, जिम मिलर, डेविड तैमूर, निक लेंस, उसके बाद जेरेड गोल्डन जिसने पैडी पिम्बलेट के साथ फाइट की थी, उसके बाद केविन ली, टोनी फर्गसन, माइकल चैंडलर, डस्टिन पोरिये और जस्टिन गेची। ये 11 फाइट 2017 से लेकर 22 तक चार्ल्स ओलिवेरा ने लगातार जीती और इन फाइट्स के अंदर आपने देखा कि टोनी फर्गसन को छोड़कर बाकी के 10 की 10 फिनिश हैं। सबमिशन और नॉकआउट दोनों चीजें इसके अंदर शामिल है, सिर्फ टोनी फर्गसन को वो फिनिश नहीं कर पाए। तो यहां पर चार्ल्स ओलिवेरा एक फिनिशिंग मशीन है। अब पॉल फेल्डर की फाइट को हारने के बाद इन्होंने अपने गेम के अंदर काफी चेंज किए और राइट चेंज किए, इसी की बदौलत 11 फाइट ये लगातार जीते। लेकिन अब वो गेम प्लान भी अब बदलने की टाइम आ चुका है, क्योंकि अभी 11 फाइट के बाद इस्लाम मखाचेव ने आर्म ट्राइंगल से सबमिट कर दिया इस्लाम मखाचेव ने चार्ल्स ओलिवेरा को। तो अब चार्ल्स ओलिवेरा के सामने अपने ग्राउंड गेम को और ज्यादा पॉलिश करने की बात सामने आ रही है, क्योंकि जो बनील डारियुश हैं उनका ग्राउंड गेम जो है वो काफी तगड़ा है और ग्राउंड गेम के साथ साथ जो उनकी स्ट्राइकिंग है वो भी काफी अच्छी है। आपने एक चीज जरूर नोटिस की होगी कि चार्ल्स ओलिवेरा अपने गेम प्लान में थोड़ा बहुत चेंज करके दोबारा से कमबैक कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर 11 फाइट की विन स्ट्रीक से पहले उन्हें एक जर्नीमैन समझा जाता था, लेकिन जर्नीमैन से चैंपियन तक बनने का जो रास्ता तय किया चार्ल्स ओलिवेरा ने, वो पॉल फेल्डर से हारने के बाद अपने गेम प्लान को चेंज करके किया। तो ऐसे में चार्ल्स ओलिवेरा दोबारा से वापसी कर सकते हैं। बनील डारियुश जो है अभी वो भी विनिंग स्ट्रीक पर चले हुए हैं, लेकिन अगर उनकी भी पास्ट हिस्ट्री को आप देखा जाए तो उनकी पास्ट हिस्ट्री को आप देखोगे तो वो भी कहीं ना कहीं हार सकते हैं। तो इसी बात का फायदा उठाना पड़ेगा चार्ल्स ओलिवेरा को, शुरुआत से लेकर लास्ट तक अपने गेम प्लान के अंदर ऐसी चीजें डालनी पड़ेगी जिससे चार्ल्स ओलिवेरा रेसलिंग के साथ साथ स्ट्राइकिंग में भी जो है डारियुश के ऊपर अपर हैंड रख सकें, क्योंकि बनील डारियुश एक ऑलराउंड फाइटर है और ये 11 के 11 जितने भी फाइटर अभी मैं विन स्ट्रीक के अंदर देख रहा हूं
पॉल फेल्डर की हार के बाद सारे के सारे फाइटर जो है एक से एक बढ़िया फाइटर है, तो इनके रेज़्यूमे में तो कोई दिक्कत है नहीं, बहुत तगड़ा रेज़्यूमे है। लेकिन बात अब यह है कि इस हार के बाद क्या वो दोबारा से खड़े हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ये हार उन्हें 5 साल के बाद मिली है और 5 साल के अंदर उन्होंने जर्नीमैन से लेकर चैंपियनशिप तक का अपना रास्ता जो है तय कर लिया। तो अब ऐसे में जो नेक्स्ट फाइट होगी बनील डारियूस के खिलाफ, वो फाइट जो है बिल्कुल एक क्लैरिटी दे देगी लाइटवेट डिवीजन में कि चार्ल्स ओलिवेरा अब टाइटल रेस में रहेंगे या नहीं रहेंगे, क्योंकि एक ऐसी एज आ चुकी है उनकी, 33 साल उनकी एज हो चुकी है कि अब अगर वो यहां से हार गए तो कम से कम उन्हें 2 या 3 फाइट जीतनी पड़ेगी दोबारा से टाइटल पिक्चर में आने के लिए, और ऐसा हो पाने में लगभग 2 साल निकल जाएंगे। तो यहां पर एक परफेक्ट टाइम है चार्ल्स ओलिवेरा के पास कि रिबाउंड किया जाए और फिनिश किया जाए बनील डारियूस को, चाहे सबमिट किया जाए चाहे नॉकआउट किया जाए। अगर चार्ल्स ओलिवेरा फिनिश कर देते हैं बनील डारियूस को तो उनके पास एक दोबारा से कॉन्फिडेंस आ जाएगा जिससे वो इस्लाम मखाचेव को टक्कर दे सकते हैं और चैंपियन बन सकते हैं या नहीं बन सकते, बिल्कुल बन सकते हैं। बस एक बार ये मेंटल ब्लॉक हट जाए, बनील डारियूस को हरा दे, उसके बाद इस्लाम के साथ रीमैच के अंदर एक बहुत अच्छी फाइट हो सकती है। आपको क्या लगता है कि चार्ल्स ओलिवेरा के अंदर अभी फाइट बाकी है? क्या चार्ल्स ओलिवेरा दोबारा से चैंपियन बन सकते हैं? उनके इस करियर को देखकर, 11 फाइट की विन स्ट्रीक को देखकर मैं बिल्कुल ये कह सकता हूं कि हां बिल्कुल बन सकते हैं, सिर्फ उन्हें बनील डारियूस को बहुत तगड़ी प्लानिंग से हराना पड़ेगा। आपके क्या विचार है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।